सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास हुआ है इस एपिसोड में, क्योंकि लास्ट टाइम एपिसोड नंबर 3 ने हमें बहुत ही ज्यादा चौंका दिया था, क्योंकि उस एपिसोड में हमारे काफी सारे फेवरेट कैरेक्टर्स मारे गए थे। तो अब बाकी सभी डिटेल के लिए एक स्पॉइलर वार्निंग, ताकि जिन लोगों ने अब तक गेम ऑफ थ्रोन्स के तीसरे एपिसोड को नहीं देखा है तो वो लोग अभी से समझ जाए। और इसी के साथ साथ चौथे एपिसोड का भी स्पॉइलर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। खैर, तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 की डिटेल। वेल, तो एपिसोड नंबर शुरू होता है विंटरफेल से ही, जहां पर अब वॉर के बाद एक लंबी शांति फैल गई है, क्योंकि विंटरफेल के बाहर सभी मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यानी जितना भी कचरा एपिसोड नंबर 3 में फैला था, सभी की डेड बॉडीज, उन सभी को उठा लिया गया है। और पता नहीं उन लोगों ने ये काम कैसे किया और कितनी जल्दी किया, क्योंकि सारी की सारी लाशों को उनकी जगहों पर रख दिया गया है ताकि उन्हें एक परफेक्ट श्रद्धांजलि दी जाए। और सभी लोग आगे बढ़कर उन वॉरियर्स को श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी बीच हमें गोस्ट भी नजर आता है, जो थोड़ा सा जख्मी है लेकिन ठीक ठाक है। और उसके भी पहले जॉन स्नो यहाँ पर एक काफी अच्छी खासी स्पीच देता है उन मरे हुए वॉरियर्स के लिए, कि अब उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन लोगों के बारे में दूसरे लोगों को भी बताए कि किस तरीके से इन महान वॉरियर्स ने अपनी जंग लड़ी और लड़ते हुए ये सभी लोग मारे गए। और फिर हम देखते हैं कि डेनेरियस जोरामोमो की चिता को भी आग लगाती है काफी रोते हुए, क्योंकि जो चीज जोरामोमो ने की है डेनेरियस के लिए वो बस एक प्यार था जो जोरामोमो डेनेरियस से करते थे, और ये बात डेनेरियस भी जानती थी। खैर, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विंटरफेल में अब सभी लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने व्हाइट वॉकर्स की जंग को जीती है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई परेशान है तो वो है गेंड्री, क्योंकि गेंड्री को कहीं पर भी आर्या नजर नहीं आ रही, जबकि आर्या की वजह से ही वो लोग इस वॉर को जीते हैं। इसलिए गेंड्री हाउंड को वहाँ पर छोड़कर सीधे निकल पड़ता है आर्या को ढूंढने के लिए, लेकिन उसके पहले ही डेनेरियस उसे रोक लेती है और उसके नाम के आगे से बास्टर्ड हटाकर वो उसे लॉर्ड की जगह देती है, क्योंकि रॉबर्ट बेलेथिन के खानदान का वो एक आखिरी चिराग है। इसलिए अब से कोई भी गेंड्री को बास्टर्ड नहीं कहेगा बल्कि लॉर्ड गेंड्री बेलेथिन कहेगा। और डेनेरियस का ये फैसला सभी लोगों को काफी पसंद आया है, जिनमें से सर डेवोस सबसे पहले उठकर गेंड्री को लॉर्ड बुलाते हैं, जिसके बाद सभी लोग सर डेवोस की उस बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सहनसा को ये बात पसंद नहीं आई, क्यों किस लिए वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इन दोनों के बीच एक अजीब सी जलन है। खैर, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि सभी लोग जश्न में डूबे हुए हैं, लेकिन ब्रैनी पीने से परहेज कर रही है, जिसके बाद जेमी के कहने पर वो फिर से पीना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ टीरियन ब्रैन के पास जाता है और उससे ये बात करने लगता है कि विंटरफेल का आखिरी वारिस फिलहाल तो अभी वही बचा है, यानी स्टार्क परिवार से, जिसमें ब्रैन एक अकेला लड़का रह गया है। लेकिन ब्रैन अब ये सब नहीं चाहता, क्योंकि ब्रैन अब एक थ्री आई रेवन बन चुका है, और ये बात उस टाइम पर टीरियन को समझ नहीं आती है, जिसके बाद ब्रैन वहाँ से चला जाता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टॉरमेन अपने लोगों से जॉन के बारे में बात कर रहा है, कि उसे जॉन कितना ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो उसे एज रू किंग देखना चाहता है। और सभी लोग टॉरमेन की उस हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन इसके पहले यहाँ पर डेनेरियस आर्या को इस वॉर का हीरो बताती है, जिसके बाद सैनसा डेनेरियस की तरफ देखकर गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है, हालांकि वो इसके पहले काफी अच्छे से बैठकर जॉन और टॉरमुंड से बातें कर रही थी। लेकिन अब आ जाए टॉरमुंड की इस बात पर, जिस बात में टॉरमुंड ने जॉन स्नो को ट्रू किंग कहा है, ये बात कहीं ना कहीं डेनेरियस को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और सी के साथ साथ यहाँ पर इस बात को नोटिस किया है वैरिस ने भी। और फिर जिसके बाद डेनेरियस वहाँ से गुस्से से उठकर चली जाती है। और उसके बाद हम देख सकते हैं जेमी ब्रैन और टीरियन को, जहाँ पर टीरियन ने एक गेम खेलना शुरू कर दिया है कि वो लोग एक दूसरे की दुखती रथ पर हाथ रखेंगे। जैसे कि टीरियन के बारे में उसकी पिछली जिंदगी के बारे में बताया जाता है कि टीरियन ने सैनसा से पहले किससे शादी की थी। लेकिन इन सब के बीच टीरियन ब्रैनी को ये कह देता है कि तुम अब तक कुंवारी हो, और ये बात सुनकर ब्रैनी वहाँ से उठकर चली जाती है, जिसके बाद जेमी भी वहाँ से उठकर ब्रैनी के पीछे चला जाता है। और बेचारा टॉरमुंड वहाँ पर खड़े हुए बस देखता ही रहता है कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ गई, जो बाद में हाउंड के बाजू में बैठा बस रोता ही रहता है कि कैसे जेमी ने उसकी आंखों के सामने ब्रैनी को पटा लिया। लेकिन टॉरमुंड का ये दुख ज्यादा देर तक नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरी औरत आ जाती है जो टॉरमुंड से काफी ज्यादा इम्प्रेस है, जिसके बाद टॉरमुंड उस औरत को लेकर वहाँ से चला जाता है। और उस औरत के साथ आई एक दूसरी औरत वहाँ पर हाउंड के लिए बैठ जाती है, ताकि हाउंड जब अपना ड्रिंक खत्म करे तो वो उसके साथ चली जाए। लेकिन हाउंड फिलहाल तो ऐसे कोई भी मूड में है नहीं, और चिल्लाकर हाउंड उसे वहाँ से भगा देता है। और ये चीज सैनसा भी नोटिस करती है, जिसके बाद सैनसा सीधे हाउंड के पास जाती है और ये कहती है कि वो औरत बस तुम्हें कुछ खुशी के पल देना चाहती थी, जो ऐसी सिचुएशन में काफी ज्यादा काम आते हैं। जिसके बाद हाउंड सैनसा को देखकर ये कहता है कि अगर मैं उस दिन तुम्हें अपने साथ ले जाता तो तुम्हें काफी कुछ झेलना नहीं पड़ता।
पड़ता। यानी यहाँ पर हाउंड रैमजी और लिटिल फिंगर के बारे में बात कर रहा है, जिसके बाद सैनसा ये कहती है कि उन लोगों ने जो किया उन्हें उसकी सजा मिल गई है, इसलिए उन चीजों को जाने दो। और फिर हाउंड ये कहता है कि तुम अब बड़ी हो गई हो। खैर दोस्त, अगले सीन में हम देखते हैं कि गैंडरी आर्या को अभी भी ढूंढ रहा है, जो उसे मिलती है एरो की ट्रेनिंग करते हुए। और वहाँ पर गैंडरी उसे ये बताता है कि डेनेरियस ने उसे लॉर्ड की उपाधि दी है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश है और अब वो चाहता है आर्या उससे शादी कर ले, ताकि वो अपनी लाइफ आर्या के साथ हंसी खुशी बिताए। और ये बात आर्या को भी काफी पसंद आती है, लेकिन आर्या यहाँ पर साफ साफ गैंडरी को मना कर देती है और ये कहती है कि वो घर बसाने वाली है नहीं। जाहिर सी बात है आर्या के यहाँ पर काफी सारे प्लान्स हैं, जैसे कि आर्या की लिस्ट में से आर्या ने अभी भी काफी लोगों को नहीं मारा है जिसे आर्या को मारना है, और यही आर्या का मकसद है। इसीलिए आर्या ने गैंडरी को मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेमी ब्रैनी के कमरे में घुस गया है ड्रिंक लेकर, जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं जॉन स्नो अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा है, जहां पर डेनेरियस आती है और जॉन को ये बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, जिसके बाद जॉन थोड़ी देर के लिए डेनेरियस की उन बातों में खो जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, जिसके बाद से ही सारी की सारी सिचुएशन बदल गई है। लेकिन अब डेनेरियस इन सभी चीजों से बाहर निकलना चाहती है और वो निकल गई थी, लेकिन जब हॉल में लोगों ने राजा की बात की तो उसे फिर से सारी की सारी बातें याद आ गई, क्योंकि सारे के सारे लोग यही चाहते हैं कि जॉन सेवन किंगडम की उस थ्रोन पर बैठे, जिससे वो असली राजा कहलाएगा। लेकिन जॉन को ये सब नहीं चाहिए और जॉन चाहता है कि डेनेरियस ही उस गद्दी पर बैठे, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा हक है उस गद्दी पर, ना कि जॉन का। जिसके बाद डेनेरियस जॉन से ये प्रॉमिस मांगती है कि वो ये राज किसी को भी नहीं बताएगा, ताकि सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाए और वो उसकी जिंदगी में फिर से वापस आ जाए, यहाँ तक कि ये बात वो आर्या और सैनसा को भी ना बताए। लेकिन जॉन ये कहता है कि उन लोगों को बताना काफी जरूरी है और वो लोग उसकी फैमिली है, जिसके बाद वो लोग इसे अपना लेंगे। लेकिन डेनेरियस ये कहती है कि वो लोग नहीं अपनाएंगे और तुम उन लोगों को कुछ भी मत बताना, वरना चीजें काफी बिगड़ जाएगी, पहले से भी काफी ज्यादा। ये कहकर डेनेरियस वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विंटरफेल की वॉर के बाद डेनेरियस के पास कितनी आर्मी बची हुई है। लगभग हर आर्मी के आधे से ज्यादा सदस्य मारे गए हैं और अब उन लोगों को काफी सोच समझ कर विंटरफेल पर हमला करना होगा। लेकिन यहाँ पर सैनसा ये कहती है कि उन सभी लोगों को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने अभी काफी बड़ी बैटल जीती है, जिस बैटल से काफी सारे सोल्जर अब तक निकल कर बाहर नहीं आए हैं, और जबरदस्ती उन्हें किसी भी वॉर पर ले जाना सही नहीं होगा। और उसके बाद ही डेनेरियस ये कहती है कि वो यहाँ पर आई, इस जंग में शामिल हुई, जबकि ये जंग उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी जॉन के बुलाने पर वो यहाँ पर आई। और अब डेनेरियस को मदद चाहिए, ना कि एक्सक्यूज, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर रुके तो ऐसे में सर्सी को और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा काफी ज्यादा स्ट्रांग होने का, और डेनेरियस नहीं चाहती कि उसके दुश्मन वक्त के रहते हुए काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। इसीलिए डेनेरियस की हाँ में हाँ मिलाकर जॉन उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है और ये कहता है कि वो सारी की सारी आर्मी को रेडी कर लेगा, ताकि वो लोग जल्द से जल्द किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े। जिसके बाद सभी जॉन की बात से एग्री होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आर्या जॉन को कहती है कि उसे कुछ बातें करनी है, ये बातें फैमिली के बीच की है, और उन सभी की मीटिंग बैठती है गॉड्सवुड्स के बीच, जहाँ पर आर्या और सैनसा ये कहती है कि उन लोगों को डेनेरियस की बातों पर भरोसा है नहीं, कि असल में उसका मकसद है क्या और वो चाहती क्या है, इसलिए वो लोग उसका साथ देने के मूड में है नहीं। लेकिन जॉन यहाँ पर पूरी गारंटी लेता है डेनेरियस की कि वो एक अच्छी क्वीन बनेगी, जिसमें उसे कोई शक है नहीं। लेकिन फिर सैनसा और आर्या ये कहती है कि वो उन लोगों का भाई है और उसे उन लोगों के हिसाब से सोचना चाहिए। और फिर इस बीच जॉन ये कहता है कि वो उन लोगों का भाई है नहीं, यानी कि वो स्टार्क नहीं है। और फिर आर्या कहती है कि वो स्टार्क है, भले से ही वो बास्टर्ड क्यों ना हो, लेकिन अब वो उसका भाई है, क्योंकि सभी लोगों ने उसे पूरे दिल से अपनाया है। लेकिन यहाँ पर जॉन थोड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पर उन लोगों को सच बताने के मूड में है। लेकिन इसके पहले जॉन उन लोगों को कसम लेने के लिए कहता है कि वो लोग ये बात किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले वो ब्रैन की तरफ देखता है, जिसके बाद ब्रैन ये कहता है कि ये फैसला तुम्हारा है। और फिर सैनसा और आर्या के कसम लेने के बाद जॉन ब्रैन को सारी बातें बताने के लिए कह देता है कि असल में वो स्टार्क नहीं बल्कि टारगेरियन है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीरियन और जेमी बैठकर शराब पी रहे हैं, जहां पर जेमी को ऑर्डर मिला है कि वो विंटरफेल में रुककर स्टार्क गर्ल को प्रोटेक्ट करे। लेकिन उन दोनों की इस बातचीत के बीच अचानक से बीच में टपक पड़ता है ब्रॉन, जिसने उन दोनों को मारने की सुपारी ली है। लेकिन ब्रॉन को पता है कि सौदेबाजी कैसे की जाती है, इसलिए वो अब यहाँ पर उन दोनों से सौदेबाजी करने आया है उनकी जान के बदले में, कि अगर वो लोग सर्सी से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट उसे देंगे तो वो उन दोनों की जान को बख्श देगा। लेकिन टीरियन को ऐसा लगता है कि ब्रॉन वहाँ पर मजाक कर रहा है, और सैंपल के तौर पर ब्रॉन वहाँ पर टीरियन की नाक पर मुक्का मारता है, जिस वजह से टीरियन की नाक से खून बहने लगता है और टीरियन को लगता है कि ब्रॉन ने उसकी नाक तोड़ दी। जिसके जवाब में ब्रॉन ये कहता है कि तुम्हारी नाक टूटी नहीं है बल्कि सिर्फ खून निकल रहा है, क्योंकि नाक टूटने का एहसास उसे पता है, क्योंकि जब से ब्रॉन टीरियन की साइज का था तब से वो लोगों की नाकों को तोड़ते आ रहा है। खैर तो यहाँ पर ब्रॉन ये बताता है कि सर्सी ने उसे रिवर रन देने का वादा किया है, जिसके बाद जेमी ये कहता है कि सर्सी पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, और ये बात ब्रॉन को भी पता है, इसलिए वो यहाँ पर जेमी और टीरियन से सौदा करने के लिए आया है।
हैं कि बदले में उन दोनों की जान के उसे क्या मिलेगा। जिसके बाद टीरियन बिना सोचे समझे ही रिवर रन के बदले उसे हाई गार्डन देने का फैसला कर लेता है। लेकिन अब भी जेमी को ये भरोसा नहीं है कि ब्रॉन उन लोगों को मारेगा। जिसके बाद जेमी जैसे ही हिलता है तो वो एरो सीधा उसके कान के साइड से चलाता है, ये दिखाने के लिए कि वो मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जिसके बाद ये डील डन हो जाती है और ब्रॉन उन दोनों को ये कहकर चला जाता है कि इस वॉर में मरना नहीं, क्योंकि उसका हिसाब किताब अभी भी बाकी है और वो उन दोनों पर नजर रखेगा। इतना बोलकर ब्रॉन वहां से चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउंड निकल पड़ा है किंग्स लैंडिंग की तरफ और उसके पीछे पीछे आर्या भी उसके साथ आ रही है, क्योंकि आर्या को भी एक अनफिनिश्ड बिजनेस पूरा करना है किंग्स लैंडिंग में, जैसे हाउंड को करना है। वेल, हाउंड को यहाँ पर शायद अपने भाई माउंटेन को मजा चखाना है और आर्या को डेफिनेटली सरसी को। जिसके बाद हाउंड आर्या से ये पूछता है कि इस बार अगर वो काफी घायल हुआ और मरने जैसी हालत में रहा तो क्या वो उसे छोड़कर भाग जाएगी। जिसके जवाब में आर्या हाँ कहती है। और इधर बड़े डेनिरिस की तरफ, तो डेनिरिस अपने दोनों ड्रैगन्स के पास आई है ये चेक करने के दोनों विंटरफेल की स्कोर से बिल्कुल ठीक है या नहीं। लेकिन वहाँ पर अगर रेगाल को देखे तो रेगाल की थोड़ी सी हालत खराब है, लेकिन वो उड़कर ये बात साफ कर देता है कि वो चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। और वहीं सहनसा खड़ी डेनिरिस और उसके ड्रैगन्स को देख रही है। जिसके बाद टीरियन भी वहाँ पर आता है और उसे ये कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और डेनिरिस एक अच्छी क्वीन बनेगी और उसके आने से सारे किंगडम में खुशी आ जाएगी। लेकिन सहनसा को अभी भी भरोसा है नहीं। जिसके बाद टीरियन ये कहता है कि अगर उसका रूल किंग्स लैंडिंग की तरफ होगा तो वेस्ट में तुम्हारी पकड़ भी काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जॉन से डेनिरिस काफी ज्यादा प्यार करती है और वो जॉन के लिए कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद सहनसा ये कहती है कि किंग्स लैंडिंग में स्टार्क परिवार का कोई भी सदस्य जाता है तो उनके लिए हालात अच्छे होते नहीं है, और अगर ऐसा ही कुछ जॉन के साथ हुआ तो वो सह नहीं पाएगी। जिसके बाद टीरियन ये कहता है कि जहां तक उसे पता है कि जॉन ने उसे बताया था कि वो स्टार्क नहीं है, और ये बोलकर टीरियन वहां से जाने लगता है। जिसके बाद सहनसा ये कहती है कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो क्या सोचते तुम। यानी यहां पर सहनसा बात डेनेरियस की कर रही है कि अगर यहां पर इस सिचुएशन में डेनेरियस की जगह जॉन होता तो वो उसे अपना किंग मान लेती, क्योंकि सच अब उसके सामने है कि जॉन स्नो असल में स्टार्क नहीं बल्कि टारगेरियन है। और नीचे की तरफ हम देख रहे हैं कि जॉन बाकी लोगों के साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी है और इस बार वो ड्रैगन की सवारी नहीं बल्कि हॉर्स की सवारी करना पसंद करेगा। और ये बात टॉर्मन भी नोटिस करता है और उससे कहता है कि तुम ड्रैगन पर सवार क्यों नहीं हो। जिसके जवाब में जॉन ये कहता है रेगाल की हालत फिलहाल तो अभी ठीक है नहीं और उसे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि वो हॉर्स राइडिंग करे। वेल, तो यहाँ पर टॉर्मन जॉन को ये बताने आया है कि वो अब जा रहा है साउथ की तरफ अपने लोगों को लेकर, क्योंकि जंग अब खत्म हो गई है और जो आखिरी जंग वो लोग जीतने जा रहे हैं तो उसमें जीत डेफिनेटली जॉन की ही होगी और ड्रैगन किंग सेवन किंगडम की रानी बनेगी। जिसके बाद जॉन टॉर्मन से ये कहता है कि ये भी वेस्टी है और तुम जब यहाँ पर आना चाहो तो तुम आ सकते हो। और जॉन टॉर्मन से एक और रिक्वेस्ट करता है कि वो गोस्ट को भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि वो भी वेस्ट में ही बिलोंग करता है और अब उसे यहाँ पर रहना नहीं चाहिए क्योंकि ये माहौल गोस्ट के लिए ठीक नहीं है। जिसके बाद गोस्ट और जॉन स्नो का एक फाइनल गुड बाय होता है, यानी शायद हो सकता है कि हमें गोस्ट अब गेम ऑफ थ्रोन्स के बाकी के दो एपिसोड्स में दिखाया ना जाए। खैर, तो उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर सैम आता है गिली के साथ जॉन को फाइनल गुड बाय कहने के लिए। और इस बीच जॉन ये नोटिस करता है कि गिली प्रेग्नेंट है। जिसके बाद गिली जॉन को ये बताती है कि अगर लड़का होगा तो वो उसका नाम जॉन रखेगी। जिसके बाद जॉन ये कहता है कि वो दुआ करेगा कि तुम्हें लड़की ही हो। और फिर सैम से भी जॉन यहाँ पर फाइनल गुड बाय लेकर चला जाता है। खैर, तो उसके बाद के सीन में हम देखते हैं डॉथराकी की शिप, जिस शिप पर मिसेंड्री और ग्रे वॉर्म है जो एक दूसरे का हाथ पकड़े वहाँ पर खड़े है। और शिप के अंदर हमें नजर आते हैं वैरिस और टीरियन जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि किंग्स लैंडिंग की उस थ्रोन पर कौन बैठेगा। यहाँ पर वैरिस बात कर रहे हैं जॉन स्नो की कि जॉन स्नो का हक है उस गद्दी पर बैठने का। जिसके बाद टीरियन काफी रॉयल है और वो यहाँ पर नाम लेता है डेनेरियस का, क्योंकि डेनेरियस ने काफी कुछ सहा है और वही इस गद्दी पर बैठ सकती है, जिसके बैठने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग खुद मखुद डेनेरियस को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं आसमान की तरफ जहाँ पर डेनेरियस अपने दोनों ड्रैगन्स के साथ है, लेकिन अचानक से वहाँ पर रेगाल पर कोई तीर से हमला करता है, जिस हमले से रेगाल की वहीं पर मौत हो जाती है और रेगाल सीधे गिरता है पानी के अंदर। और हमें दिखाया जाता है कि ये हमला और किसी ने नहीं बल्कि यूरोन ग्रेजॉय ने की है, जो वहाँ पर गोल्डन कंपनी की शिप पर है। और ये चीज देखकर डेनेरियस काफी भड़क गई है और वो अपने ड्रैगन ड्रैगन को लेकर उनकी शिप की तरफ बढ़ती है ताकि उन सभी शिप को जला दिया जाए। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि ऐसा करने से ड्रैगन भी मारा जाएगा तो वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद यूरोन डेनेरियस की उस सारी की सारी शिप को बर्बाद कर देता है। यहाँ तक कि अब मेलिसेंड भी उनके कब्जे में है और एक ड्रैगन भी मारा गया है। और ये खबर विंटरफेल तक पहुंच गई है सैनसा और ब्रेनी के पास। जिसके बाद जेमी को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उन लोगों से पूछने जाता है कि असल में वहाँ पर हुआ क्या है। जिसके बाद उसे भी सारी की सारी बात बताई जाती है, जिसके बाद जेमी ये डिसाइड कर लेता है कि वो सर्सी के पास वापस चला जाएगा क्योंकि यहाँ की वॉर पूरी तरीके से खत्म हो गई। यानी अब वो ब्रेनी को उसी के हाल पर छोड़ देगा, क्योंकि ब्रेनी उसे काफी कन्विंस करती है कि वो यहाँ पर रुक जाए और वो लोग एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो अच्छा इंसान है। जिसके बाद जेमी अपनी सारी काली करतूत ब्रेनी को वहाँ पर बता देता है कि कैसे उसने बच्चे को धक्का दिया, सर्सी के
लिए और उसने काफी लोगों को भी मारा है सिर्फ और सिर्फ सर्सी के लिए। और अब ये वक्त है उसका सर्सी के पास वापस चले जाना और अपनी ईमानदारी दिखाना। और दूसरी तरफ आ जाए तो यूरोन ने सर्सी को पूरी तरीके से इम्प्रेस कर दिया है, जिसके बाद सर्सी ने शायद यूरोन को भी बेवकूफ बनाया है ये बोलकर कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसके बाद यूरोन और भी ज्यादा खुश हो गया है और सर्सी से ये कहता है कि ये जंग वही जीतेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डेनेरियस को जो काफी गुस्से में है क्योंकि सर्सी उसकी बात नहीं मान रही, और जब भी उन लोगों ने सामने से प्रस्ताव रखा तो सर्सी ने उन सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और इस बार एक आखिरी प्रस्ताव रखा जाएगा मिसेंड्री को छोड़ने का और सरेंडर करने का, और अगर सर्सी नहीं मानेगी तब जाकर एक वॉर होगी जिस वॉर में बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे, क्योंकि सर्सी ने यहाँ पर अपनी चालाकी दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाया है ये बोलकर कि वो उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों को महल के अंदर आने के लिए कह रही है, ताकि जब सर्सी अपने ड्रैगन से अटैक करे तो ज्यादातर तो मासूम लोग ही मरे, जिसकी वजह से लोगों पर डेनेरियस की छवि और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं फिर से टीरियन और वैरिस को जो आपस में बैठे फिर से यही डिस्कशन कर रहे हैं कि डेनेरियस आग से बाहर निकली थी जिसके पास 3 ड्रैगन्स थे और उसे पता था कि उसकी मंजिल क्या है, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम हुई और वैरिस कहते हैं वो प्रॉब्लम है जॉन स्नो, क्योंकि डेनेरियस का मकसद बिल्कुल साफ था लेकिन अचानक से जॉन स्नो बीच में आ गया और सारा मामला बिगड़ गया है। और अब वैरिस अब भी टीरियन की राय पूछ रहे हैं और यहाँ पर टीरियन की राय अब भी डेनेरियस ही है, क्योंकि जॉन नहीं चाहता कि वो राजा बने इसीलिए उसने खुद के घुटने टेके डेनेरियस के आगे, जिसके बाद वैरिस ये कहते हैं कि अच्छा और सच्चा राजा वही होता है जो राजगद्दी को अपनाए ना, और जॉन स्नो कुछ वैसा ही कर रहा है, लेकिन अब तुम्हारी सोच यहाँ पर बदली नहीं जा सकती इसलिए इस बारे में बहस कर कोई फायदा नहीं बनता। वेल तो इन दोनों का ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है और हमें दिखाया जाता है किंग्स लैंडिंग का एक बड़ा सा गेट, जिस गेट के ऊपर सर्सी खड़ी है अपनी सारी आर्मी के साथ, ताकि अगर डेनेरियस के ड्रैगन ने यहाँ पर कोई हरकत की तो वो उसके ड्रैगन को भी मार देगी और उसके साथ आए लोगों को भी, क्योंकि डेनेरियस यहाँ पर बातचीत से मसला सॉल्व करने के लिए आई है। और इन दोनों की बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं हैंड ऑफ द क्वीन, जिनमें से एक है टीरियन और सर्सी की तरफ से है काइबोन, जो आते के साथ में ही ये कहते हैं कि सर्सी ये चाहती है कि डेनेरियस अपने हथियार डाल दे और सरेंडर कर ले, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो एक भारी जंग होगी लेकिन उसके पहले मेलिसेंड्रे मारी जाएगी, जिसके बाद टीरियन ये कहता है कि वो ये बात जाकर सर्सी से कहे क्योंकि डेनेरियस काफी पावरफुल है और अभी के लिए उससे जंग करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो अपने हथियार डाल दे और उस राजगद्दी से हट जाए जिस पर वो जबरदस्ती कब्जा कर बैठी है, क्योंकि उस पर उसका हक है नहीं और सिर्फ गद्दी के लिए बेगुनाह लोग मारे जाए ये चीज टीरियन बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन अब जो चीज सर्सी ने काइबन को बोलकर भेजी है, काइबन यहाँ पर वही बात रिपीट करते हैं, जिसके बाद टीरियन आगे की तरफ बढ़ता है ताकि वो सर्सी से बात कर सके और लोग हथियार तान कर खड़े हो जाते हैं टीरियन की तरफ कि अगर टीरियन एक भी गलती करेगा तो उसे वहीं पर मार दिया जाएगा, लेकिन सर्सी अपना हाथ दिखाकर उन लोगों को रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद टीरियन अपनी बहन को मनाने की बहुत कोशिश करता है उसके बच्चों तक का वास्ता देकर, जिसके बाद सर्सी थोड़ा सा रोती है और फिर से अपने दिल को मजबूत कर मेलिसेंड्रे के पास जाती है और उससे ये कहती है कि अपनी आखिरी विश मांग लो, क्योंकि सर्सी वॉर करने के मूड में ही है, जबकि टीरियन ने उससे भीख तक मांगी कि वो ये वॉर ना करे, लेकिन अब सर्सी तो सर्सी है उसे कौन समझा सकता है, इसीलिए सर्सी के ऑर्डर मिलने के बाद से ही जैसे ही मेलिसेंड्रे अपने आखिरी शब्द को कहेगी तो उसे मार दिया जाएगा वहाँ पर। और मेलिसेंड्रे मरने से पहले जोर से चिल्लाती है ड्रकेरस, यानी इस पूरे शहर को जला दो, जिसके बाद माउंटेन आकर मेलिसेंड्रे की गर्दन अलग कर देता है और मेलिसेंड्रे की लाश ऊपर से सीधे नीचे गिरती है, और ये चीज दूर खड़ी डेनेरियस और ग्रेजॉय भी देखता है, लेकिन अब डेनेरियस यहाँ पर काफी गुस्से में है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है बिल्कुल मैट किंग की तरह, लेकिन अगर देखा जाए तो वो अब मैट क्वीन है। और हमें इस सीजन में 3 मैट क्वीन दिखाई गई, जिनमें से एक डेनेरियस है, दूसरी सर्सी और तीसरी सेंसा। वेल तो अब इसके बाद के एपिसोड में होने वाली है एक जबरदस्त वॉर, जिस वॉर का रिजल्ट क्या निकल कर आएगा किसे भी कोई अंदाजा है नहीं, असल में आयरन थ्रोन की उस गद्दी पर बैठेगा कौन। खैर तो अब मुझे फटाफट से कमेंट कर ये बता दो कि आपको कौन लगता है कि आयरन थ्रोन की उस गद्दी पर असल में बैठने वाला कौन है, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक हमें भी ये बात पता चल जाएगी इसके एपिसोड नंबर 5 में, और उसके बाद आखिरी एपिसोड आएगा जो है एपिसोड नंबर 6। तो अब ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ और इस एपिसोड नंबर 4 को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।